रीवा के संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू में करीब 1 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब यहां की लाइट चली गई और मरीजों की सांसें अटक गई। उन्हें लगा कि इससे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है और इसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। वहीं किसी ने इसका वीडियो मोबाइल से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन की कैसी किल्लत मच रही है, कैसे अफरी तफरी का माहौल चल रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लाइट गोल हो गई है। यहाँ पे ये लापरवाही चल रही है संजय गांधी की लापरवाही चल रही है। ये देखिए सब मर रहे हैं सब यहाँ पे बगैर ऑक्सीजन के। लाइट गोल हो गई है यहाँ पे। ये देखिए सब मर रहे हैं सब यहाँ पे। सिलेंडर चालू नहीं हो रहा है। ये देखिए सब मर रहे हैं, सब अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सब मर रहे हैं। ये देखिए इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अंकल को चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है इनको। वहीं आईसीयू का वीडियो वायरल करने वाले का आरोप है कि बिजली गुल होने के कारण लोग तड़प रहे थे, साथ ही किसी भी सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में लाइट के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी कुछ मिनट तक बंद रही। हालांकि मामले में लाइट और ऑक्सीजन का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी वीडियो देखने वाले रीवा शहर के लोग मामले को संदिग्ध समझ बैठे। फिर भी गर्मी के दिनों में आईसीयू के अंदर अचानक से लाइट चले जाना मरीजों के लिए भारी पड़ सकता था।